लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने ली प्रेस वार्ता, आचार संहिता के पालन हेतु दिए निर्देश। लोकसभा के चुनावी दौर में सांसद नकुलनाथ नजर आए कुछ अलग ही अंदाज में, ग्रामीणों के साथ बजाए ढोल और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लिया पोहे का आनंद। भाजपा कार्यालय में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता, जिला भाजपा अध्यक्ष ने ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक लेकर भरा कार्यकर्ताओं में जोश। और परासिया रोड में भाजपा नेता द्वारा रिवॉल्वर से हवाई फायर किए जाने पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, लाइसेंस निरस्त करने की होगी कार्रवाई। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किए जाने और आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम के साथ ही जिले में लोकसभा चुनाव से संबंधित मतदान केंद्रों व मतदाताओं की स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक जानकारियां मीडिया के साथ साझा की। शेड्यूल के बारे में एक डेट और फिर से बता देता हूँ। 20 तारीख से नोटिफिकेशन जारी होगा और उसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र जैसा कि आपको पहले से भी 2019 में लिखित हुआ था, कलेक्टर न्यायालय में जो कक्ष क्रमांक 3 है उसमें नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 27 मार्च होगी। स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन की होगी वो 28 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ विद्रॉल 30 मार्च 2024 रहेगी और इसी दिन कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे। निर्वाचन का दिनांक 19 अप्रैल 2024 है और काउंटिंग सभी प्रदेशों की तरह यहां पर भी 4 जून 2024 को होगी। नेक्स्ट, ये हमारे जो एआरओ सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आने वाले असेंबली सेगमेंट से उनके हैं, ये सूची है लोगों की जो नाम है। नेक्स्ट, बल की मिल चुकी है जो वर्तमान में क्षेत्रीय जो एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च की कार्रवाई जारी है। इसका पूरा शेड्यूल से हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो संपत्ति विरूपण की कार्रवाई और जो पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 116 जो हम बाउंडओवर और इसके अलावा जिला बाजार एनएसए करते हैं उसका अभियान भी जारी है। कल रात को भी जो कॉम्बिंग गश्त करी गई उसमें करीब 105 वारंटियों को पकड़ने में सफलता मिली है और इसके अतिरिक्त अवैध शराब के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकताओं में जो मादक पदार्थों के अवैध व्यापार होता है और जो अवैध हथियार लोग रखते हैं उस पर भी हम कड़ी निगाह रखेंगे और लगातार कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में जो पुलिस और राजस्व अधिकारियों के जो संवेदनशील स्थान है उसमें हम लोगों का लगातार नियमित भ्रमण रहेगा और इस संबंध में पुलिस का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बन चुका है और वो प्रशिक्षण जारी है। इसके अतिरिक्त जो आने जाने में जो हमारे एक अंतर्राज्यीय नाका है जो बिछुआ थाना अंतर्गत वहां पे, इसके अतिरिक्त जो अंतर जिला नाके हैं उन पे पर्याप्त सख्ती रखी जाएगी, गाड़ियों को चेक किया जाएगा और जिस किसी भी तरह से कोई वायलेशन होता है या चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई किसी भी तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है उस पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र सांसद नकुलनाथ का आज अनोखा अंदाज सामने आया है। चुनावी दौरे के दौरान जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम कुकरपानी में वे आम सभा के लिए पहुंचे थे। ग्राम कुकरपानी में आदिवासियों ने सांसद नकुलनाथ के स्वागत के लिए आदिवासी नृत्य का आयोजन रखा था। इस दौरान नकुलनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और आदिवासियों के बीच पहुंचकर आदिवासी नृत्य करते हुए ढोल ताशे बजाते हुए नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों को नकुलनाथ का यह अनोखा अंदाज खूब भाया और उन्होंने सांसद नकुलनाथ के सादगीपूर्ण रवैये की तारीफ की।
गए, इन्होंने कोई अपना वादा निभाया, और आप देखते जाइए। आप बड़े बड़े ऐड निकाल रहे हो, 450 में गैस दे रहे हो, ये देख रहे हो आप टीवी पे, किसी को 450 में गैस मिलता है? वहीं 16 मार्च की शाम नकुलनाथ शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंचकर शहरवासियों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने रवि पोहा की दुकान पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर गर्म पनीर पोहा खाते हुए दुकानदार से बात की और नाश्ते का आनंद लिया। मैं यहाँ पे खाता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, बीच सात कहाँ रहते हैं, बीच सात दुकान में थोड़ा ये मैं 2013 14 चालू कर जिला भाजपा कार्यालय में आज भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि पिछले लगभग 15 दिनों से जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। भाजपा कार्यालय में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले इन कार्यकर्ताओं का भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू व अन्य वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया तथा अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दिलाया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे छिंदवाड़े में लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैकुंठ राय जी अपने आदेश राय अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वहीं भाजपा कार्यालय में ओबीसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जिले का बैठक में लेकिन छिंदवाड़ा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, बस ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप लोगों ने मेहनत की तो मैं विश्वास दिलाता हूँ छिंदवाड़ा को देश में मोदी जी के माध्यम से सिर्फ मनी बनाकर छिंदवाड़ा को लगा जाएगा। छिंदवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए, उसके पहले प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और पांडुना के नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हुए, उसके पहले नंदी पटेल शामिल हुए, अखिलेश सूरज सब तरह कांग्रेस में तो ऐसी भागों बची गई है जो भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी में जो 500 वर्षों के इतिहास के बाद भगवान राम का हमारा मंदिर बन रहा था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका बहिष्कार कर दी, तो इनकी सोच हम सब साथियों को बननी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नेताओं के नए नए कारनामे सामने आने लगे हैं। शनिवार को ही आचार संहिता लगने के बाद परासिया रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहने वाले एक भाजपा नेता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये घटना दिनांक 15/3/2024 की है। रात में लगभग 11:30 के बीच हमारी पुलिस टीम पेट्रोलिंग भ्रमण में थी, उसको सूचना मिली कि खंडेलवाल नितिन खंडेलवाल करके है, जो कि आरोग्य हॉस्पिटल के ऊपर उनका रहवास है, वहाँ से उन्होंने फायरिंग की। सूचना की तस्दीक हेतु हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर चेतन स्कूल पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि नितिन खंडेलवाल के हाथ में उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो काफ़ी नशे में भी था। उससे जब फायरिंग के संबंध पूछे तो वो कोई विशेष उत्तर नहीं दे सके, बोले मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मैंने फायर किया हूँ। किंतु यह कृत्य उनके द्वारा जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर का दुरुपयोग करना और इस तरीके से घर से खिड़की में हाथ बाहर निकाल के हवाई फायर करने से आसपास के लोगों के जीवन संकट में आया। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी नितिन खंडेलवाल के विरुद्ध धारा 336 IBC एवं लाइसेंस का जो है शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 30 सबसेक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
और वेपन जो है पुलिस ने जब्त किया, उसमें एक खाली खोखा और 5 कारतूस जब्त किए गए। इसमें लाइसेंस जारी की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से की जा रही है और किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना कृत्य जो भी क्षम नहीं होना चाहिए, किसी की भी जिंदगी खतरे में आ सकती है, इसके कारण से ये अपराध पंजीबद्ध होने तत्काल किया और इस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बटकाखाबा थाना अंतर्गत आज एक युवक और युवती ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। इसमें लड़की नाबालिग थी, वहीं लड़का बालिग था। दोनों ने घर वालों के मना करने पर फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। घटना की सूचना मिलते ही बटकाखापा थाना प्रभारी स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर शवों को परीक्षण के लिए पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मृतक युवती की उम्र 15 वर्ष व युवक की उम्र 21 वर्ष थी, जो ग्राम मोयाकुई के केदार ढाना के रहने वाले हैं। दोनों ने पाटर खादी के जंगल में एक पेड़ पर फंदे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जाँच प्रारंभ कर दी है। इन दिनों मौसम में हो रहे लगातार बदलाव से लोग मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। उल्टी और दस्त के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में भी उल्टी और दस्त के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव ने ग्लोबल चैनल से चर्चा करते हुए इन बीमारियों के कारण और उससे बचाव के उपाय साझा किए हैं। क्योंकि अभी जैसे परिवर्तन मौसम ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन होने के कारण इस वक्त जो है दो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एक तो है उल्टी दस्त बहुत हो रहा है अभी, खास तौर पे सर्दी खांसी और बुखार से भी ज़्यादा उल्टी दस्त और बुखार ज़्यादा आ रहा है। इसका एक कारण जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, बाहर का खाना पीना है बहुत ज़्यादा। हो सकता है शादियों का सीज़न था अभी कुछ दिन पहले तक, शादियों में या इधर उधर जाने में बाहर लोगों ने खाना खाया, पानी खासतौर पर पानी पिया, और उसके कारण बच्चों के पेट नाजुक होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत नहीं होती, तो उनको इन्फेक्शन पेट में हो रहे हैं और उस इन्फेक्शन के कारण उल्टी और दस्त की समस्या हो रही है। और उल्टी दस्त एक ऐसी बीमारी है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विकराल रूप बच्चों में धारण कर सकती है, इवन जिंदगी पे भी, जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए। क्योंकि उल्टी और दस्त लगातार होने से डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का खतरा रहता है, जिसका अर्थ है कि शरीर में पानी की इतनी अधिक कमी हो जाना कि बच्चे को बिल्कुल बेहोशी या सुसुप्त अवस्था में बच्चा चला जाए। तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन को बचाना बेहद जरूरी है। बच्चे का इलाज और ट्रीटमेंट तो समय पे कराना ही है। उल्टी दस्त को लापरवाही से ना ले, हल्के से बिल्कुल ना ले। बच्चे को उल्टी एक बार हो या दो बार हो, दस्त दो या तीन बार भी हो, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। इसमें देर करने का, सोचने समझने का टाइम नहीं है। ये नहीं कि हम कल चले जाएंगे परसों, नहीं, ये नहीं, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। उल्टी दस्त बच्चों में एक इमरजेंसी है, ये मान के चलिए। बड़ी बीमारियों में आता है, बड़े लोग जैसे नहीं है कि बड़े लोगों में आप समय ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में समय नहीं मिलेगा। तुरंत से तुरंत दिखाना है, क्योंकि शरीर इनका छोटा होता है। अगर मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति को एक बार उल्टी होती है, दो बार, तीन बार, उसका शरीर बड़ा है, उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, तीन बार उल्टी होने में उसका ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर एक बच्चा छोटा है, वो अगर तीन बार उल्टी करता है, तो शरीर छोटा है, उनके शरीर में पानी कम है, तो वो जल्दी पानी कमी, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए उनमें इमरजेंसी जल्दी बनती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक गिलास पानी रखा हुआ है आपने और एक बाल्टी पानी रखा हुआ है। अगर हमें एक जग पानी रखा है, सॉरी, और एक बाल्टी पानी रखा है, अगर एक जग पानी में से मैं तीन गिलास पानी निकालूं तो जग तो खाली हो गया ना, लेकिन बाल्टी अगर बड़ी है और उसमें से तीन गिलास निकालूंगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए बच्चों में बहुत जल्दी निर्जलीकरण होता है, समझे ये चीज। तो इस चीज को समझना होगा हमको, जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा और दिखाना। इसके अलावा घर पर कम से कम कुछ नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए जा नहीं पा रहे हैं, असंभव लग रहा है, तो कम से कम ORS शुरू करने पिलाना। ORS यानी जीवन रक्षक घोल, जो कि बेहद आवश्यक है और वो जिंदगी और जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मेरी बिल्कुल गुजारिश है सबसे कि प्लीज बच्चों को उल्टी दस्त को लापरवाही से ना लें, तुरंत उसको पानी का मात्रा बढ़ा दें, पानी ज्यादा पिलाएं और ORS का घोल का सेवन तुरंत कराना शुरू कर दें। ठीक है, हर जगह ORS उपलब्ध है आज की डेट में। आपके पास पैसे नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाइए, फ्री मिलता है। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक गिलास पानी ले लो, साफ पानी, उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल लो, 1 चुटकी नमक डाल लो और ये जो मिश्रण बना, ये घर का बना ORS, इसको लगातार थोड़ा थोड़ा करके पिलाते जाओ बच्चा, और पिलाते पिलाते ही डॉक्टर को दिखा दीजिए तुरंत। विगत 2 वर्षों से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जन कल्याण की भावना से भाजपा नेता व जनाधिकार सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सिंह रघुवंशी के द्वारा 9 दिवसीय विशाल चुनरी पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो इस वर्ष 9 अप्रैल से 16 अप्रैल 2024 तक आयोजित होगी। चुनरी यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए संदीप सिंह रघुवंशी ने अधिक से अधिक लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। जय माता दी, कपूरदा वाली माता जी के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से प्रतिवर्ष 100 किलोमीटर तक चुनरी यात्रा का आयोजन हमारी समिति करते आई है, जिसका तृतीय वर्ष इस वर्ष दिनांक 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक है। तो दिनांक 9 अप्रैल से बिछुआ मंडल में राघा देवी मंदिर है, जो कि बड़ौसा के आगे है, वहाँ से प्रातः 9 बजे हमारी यह चुनरी यात्रा प्रारंभ होकर बिछुआ, चांद, पांजरा, चौरी होते हुए कपूरदा पहुँचेगी और इस पूरे नवरात्रि में हम लोग पदयात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए माँ भगवती की आराधना करते हुए यह चुनरी यात्रा पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और शामिल भी होते हैं। माताएँ, बहनें, सभी बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आकर इस चुनरी यात्रा में माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं और किसान और सभी हमारे जितने भी धर्म भक्त प्रेमी हैं, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है, सभी भक्त प्रेमी बंधुओं से अधिक संख्या में आकर दिनांक 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इस 9 दिवसीय यात्रा में शामिल होकर हमारे इस चुनरी यात्रा को सफल बनाएँ। और हिंदू नववर्ष और रामनवमी भी इसी उपलक्ष्य में, दोनों के उपलक्ष्य में हम लोग शुभकामना देते हैं सभी को तिलक लगाकर, और भंडारे की व्यवस्था भी इस कार्यक्रम में रहती है, और हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारी लोकसभा में कल्याण हो, हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जिला विकास की ओर बढ़े। चुनरी यात्रा में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जिले की सिकल सेल पीड़ित 6 वर्ष की नन्ही बच्ची की जान बचाने के लिए समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया के प्रयासों से 3 यूनिट रक्त उपलब्ध हुआ। रक्तदाताओं में एक रोजेदार इस्लाम खान ने भी रक्तदान किया। बच्ची के संबंध में जानकारी लगते ही समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने अपने जागते रहो ग्रुप खून का रिश्ता ग्रुप में सभी रक्तदाताओं से रक्तदान हेतु आग्रह किया, जिसके बाद जिला अस्पताल ब्लड बैंक में इस्लाम खान छिंदवाड़ा, सचिन विश्वकर्मा वनगांव, रिंकू साहू परासिया निवासी ने आग्रह को स्वीकार करते हुए सहर्ष भाव से अपना 3 यूनिट AB पॉजिटिव अमूल्य रक्तदान किया। आपको बता दें, इस्लाम खान रमजान पाक माह में रोजा रखे हुए रोजेदार हैं। इस्लाम खान ने आज जिले की एक सिकल सेल पीड़ित बच्ची की जान बचाने के लिए अपना रोजा मखरू करते हुए रक्तदान किया। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि इस्लाम खान निरंतर विगत 7 वर्षों से रमजान शरीफ में रोजा मखरू करके रक्तदान कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम त्योहार, मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम। मैं रमजान महीने में अक्सर मुझे रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा अति आवश्यक सेवा में ही मुझे याद किया जाता है। मेरा ग्रुप AB+ है, अब मैं निरंतर जागते रहो ग्रुप खून के रिश्ता से 7 साल से इसमें कार्यरत हूँ और हमारे रिंकू भाई समाज से भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो निरंतर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि ब्लड देने से जो सुकून मिलता है, आपको दान देने में वो भी सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन लोग क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, खुद के ही घर के वालों को
खुद के ही घर वालों को भी अपना वेट लेना ना पसंद करते हैं, क्योंकि अंदर एक ऐसी मशीन है कि 24 घंटे के अंदर में आप जितना प्लेट दिए हो और फिर से आ जाए तो फिर कुएं को साफ करो ना भाई, क्यों उसको मैं पाट के रखू, जितना प्लेट निकलेगा उतने ही आप स्वस्थ रहोगे, मेरा यही संदेश है। थैंक यू। स्थानीय परासिया नाके में आज यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। एक ओर जहां परासिया नाके पर यातायात पुलिस वाहनों की चेकिंग और चालानी कार्रवाई को लेकर मुस्तैद नजर आई, तो वहीं जेल तिराह जैसे भारी यातायात वाले स्थान पर यातायात पुलिसकर्मी नदारद नजर आए। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को गुजराती भवन गांधीगंज छिंदवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में प्रति शनिवार को महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस शनिवार भी मंदिर में महाआरती और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। हम सब आज श्री केसरी नंदन मंदिर में आए हैं, यहाँ भंडारा करवाया है, यहाँ बहुत अच्छे से आरती हुई, सभी ट्रस्ट वाले लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग के लिए अरेंज करवाया, आरती का प्रसाद महाप्रसाद और भंडारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। ये पूरा परिवार हमारा आज भंडारा इसके लिए करवाया था, इसके लिए मन्नत मांगी थी नारियल वाले मंदिर में, तो बहुत अच्छे से हुआ सब। हमारी जो मन्नत थी वो पूरी हुई, चमत्कारी हनुमान जी के मंदिर है, जो मांगो मिलता है और मेरी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए आज हमारे परिवार की तरफ से आरती हुई। ये नितिन सिंह राजपूत का परिवार है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां, बाइये रुख करें हेडलाइंस की तरफ। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने ली प्रेस वार्ता, आचार संहिता के पालन हेतु दिए निर्देश। लोकसभा के चुनावी दौर में सांसद नकुलनाथ नजर आए कुछ अलग ही अंदाज में, ग्रामीणों के साथ बजाए ढोल और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लिया पोहे का आनंद। भाजपा कार्यालय में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता, जिला भाजपा अध्यक्ष ने ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक लेकर भरा कार्यकर्ताओं में जोश। और परासिया रोड में भाजपा नेता द्वारा रिवॉल्वर से हवाई फायर किए जाने पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, लाइसेंस निरस्त करने की होगी कार्रवाई। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।